दोस्तों नमस्कार। देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन जो एक आम जनता के सरोकार के मुद्दे हैं वो कहाँ गायब हैं। मैं यहाँ बात करता हूँ सिर्फ आम जनता के उन मुद्दों का, जो मुद्दे आज शायद हर पटल से गायब है, और आम लोगों का वो मुद्दा जो उनके जिंदगी का हिस्सा है। दोस्तों, सवाल पूछना आजकल मना है, आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं कुछ सवाल आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, शायद आप लोग इस सवालों को समझ पाए। आज के दौर में जब हर आदमी जिंदगी की जद्दोजहद से लड़ करके अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है, और उसमें कितनों ने खून पसीने की अपनी कमाई लगाकर एक मकान खरीदा, क्या आपने भी कोई मकान खरीदा या क्या आप भी कोई मकान खरीदने जा रहे हैं, तो ये खबर जरा सुन लीजिएगा। और ये सवाल है, जरा सोचिएगा, ऐसे ऐसे 9 सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं जो आम जनता से जुड़े हुए सवाल है। ग्रेटर नोएडा का सावेरी इलाका, जहां पे हजारों की तादाद में बिल्डिंग बना दिए जाते हैं, और पीछे कुछ महीने पहले वहां पे एक बिल्डिंग गिर जाता है, 9 लोगों की मौत हो जाती है। अथॉरिटी जागती है, आके कहती है कि ये जो इलाका है इस पे जितने भी मकान बने हैं वो इलीगल है। मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि अगर आप कोई मकान खरीदने जाते हैं तो आपको नहीं पता वो ज़मीन लीगल है या इलीगल है। आम जनता सिर्फ एक चीज़ देखती है कि क्या इस बिल्डिंग पे लोन हो रहा है, अगर लोन हो रहा है तो वो लीगल ज़मीन है। अमूमन यही सोच है एक ख़रीदार की कि लोन हो रहा है तो ये लीगल है, बैंक ने सारा कुछ वेरीफाई किया होगा। अब यहाँ से ही सारा सवाल उठता है। नोएडा का साहबेरी इलाका इलीगल घोषित कर दिया जाता है अथॉरिटी के द्वारा, क्या साहबेरी में जो सैकड़ों के तादाद में बिल्डिंग बने क्या वो सुई के बराबर थे कि जमीन में डाल दिए गए थे, अथॉरिटी को बनते वक्त नजर नहीं आया था? क्या वो आम जनता जो खून पसीने की पैसे लगा कर वहाँ पे मकान खरीदे, क्वालिटी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, जिसकी जिम्मेवारी अथॉरिटी की होती है चेक करने की उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो वो मकान आखिर रातों रात क्या बन गए? वहां पे लोगों ने लोन ले लेके अपना घर खरीदा, आज अथॉरिटी कहती है कि ये इलीगल एरिया है। इसी सिलसिले में लोगों ने वहां प्रोटेस्ट किया कल, जिनके ऊपर लाठियां भी बरसाई गई। तो क्या अब आपसे ये सवाल है कि इनमें उन लोगों की गलती है जिन्होंने वहां पे मकान खरीदा, या अथॉरिटी की गलती है कि जिन्होंने जब वो बन रहा था तब कोई कार्रवाई नहीं की और आम जनता उसमें फंसते चले गए, या वो बैंक जिन्होंने उस पर लोन किया था तो बैंक ने लोन क्या सोच के किया था? लेकिन इन सब के बीच पिस कौन रहा है? एक आम जनता जो खून पसीने की पैसे लगा के वहां पे मकान लेता है। अब दूसरी घटना आपके सामने रखता हूं, नोएडा की ही घटना है। एक बहुत बड़ा बिल्डर, हालांकि आपको पता है कि एक बिल्डर या सोसाइटी में जो घर लिए थे वो जो 4 साल की पोजीशन थी 10-10 साल के बाद लोगों को दी गई, उन्होंने बैंक की ईएमआई झेली, सब कुछ झेला, खैर किसी तरह से उनको वहां पे पोजीशन दे दिया गया, वो रहते हैं, और एक दिन जब नींद से जागते हैं तो उनको एक नोटिस पकड़ा दिया जाता है कि आप ये बिल्डिंग खाली कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके बिल्डर ने इसको मॉर्गेज रख के, यानी कि गिरवी रख के लोन ले रखा है। अब आपसे फिर ये सवाल है कि उनमें रहने वाले लोगों को ये पता ही नहीं है कि कब बिल्डर ने इस पे लोन ले लिया करोड़ों रुपए का, उसने लोन चुकता नहीं किया, बैंक ने नोटिस पकड़ा दिया उसमें रहने वालों को। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पे रिपोर्ट करी, हालांकि अभी पढ़ रहा था न्यूज़ कि अब बैंक ने वो नोटिस हटा ली है, लेकिन क्या न्यूज़ में आने के बाद नोटिस हटाना, क्या उसमें रहने वाले लोगों को नोटिस देना जिन्होंने खून पसीने की कमाई से वहां मकान लिया था, क्या उनकी गलती है? ये सवाल है आपसे। तीसरी बात पे आता हूं, कालिंदी कुंज का इलाका, वो रोड जहां पे टॉल एक साइड में बना हुआ है, रात को एक ट्रक ड्राइवर बाहर से आता है और गलती से टॉल क्रॉस कर जाता है। क्योंकि अगर आप उस रोड पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि अमूमन जो बाहर से आते हैं कई बार उनको पता नहीं चलता है जो बाहर से ड्राइवर आए कि यहाँ पे टॉल है, वो क्रॉस कर जाता है, 100-200-500 मीटर आगे चला जाता है, उसके पीछे वहां के बाउंसर लग जाते हैं, और रात को जब बाउंसर उसको रोकता है तो ड्राइवर से 1400 रुपये के टॉल के बदले 14,000 रुपया मांगा जाता है। ड्राइवर उनसे मिन्नतें करता है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे पता नहीं चला। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ जानना ज़रूरी है, जो प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर्स हैं वो कभी भी, खासकर दिल्ली ऐसे इलाके में, वो टॉल क्रॉस नहीं करेंगे, उनको पता है भाग के जाएंगे कहाँ। खैर, वो बाउंसर उनसे 14,000 रुपये की डिमांड करता है, ड्राइवर कहता है मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये हैं।
उसकी बात नहीं मानी गई, ड्राइवर से अपने मालिक को भी फोन किया, वो मालिक रास्ते में आ रहे थे तब तक उसको इतनी मारा जाता है, ऐसा आरोप है बाउंसरों के द्वारा, कि उसकी मौत हो जाती है। कोई कार्रवाई? पुलिस कहती है हम तहकीकात कर रहे हैं। तो ये सवाल है आपसे, जरा अपने आप से पूछिएगा। इसी तरह से दिल्ली में RFID का जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त रखा गया है। आप वहाँ पे जाके देखिए जो गाड़ी वालों की तादाद, यानी कि कमर्शियल व्हीकल वालों की इतनी भीड़ लगी हुई है, और फाइन डबल कर दिया गया है कि 16 तारीख के बाद से आप अगर RFID आपकी गाड़ी में नहीं लगा होगा, यानी कि आप कैशलेस पेमेंट टोल पे नहीं करेंगे, तो फाइन आपका दोगुना लगेगा पहली बार में। यानी कि अगर 100 रुपया टोल है किसी गाड़ी का तो 200 रुपये लगेंगे, किसी का 1000 रुपया है तो पहली बार में 2000 रुपया, लेकिन वही गाड़ी दूसरी बार पहुंचती है तो फाइन डबल हो जाएगा। ऐसे कर करके 6 गुना फाइन बढ़ा दी गई है। क्या सरकार ने अपनी तैयारी करी कि जितने भी गाड़ी वाले हैं जो करोड़ों के तादाद में हैं उनको RFID कार्ड सुविधा से मिल जाए? आज के डेट में हर ड्राइवर्स वहां 5-5, 6-6 घंटे लाइन लगा के खड़ा है और अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, लेकिन सरकार ने फाइन लगा दिया कि 17 के बाद आप आएंगे तो आपको फाइन लगेगा। तो क्या फाइन असूलना ही मनसा होता है या अपनी तैयारी ना करो आप? इसी तरह से अगर हम मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट को देखें, सरकार का कहना है कि इससे एक्सीडेंट कम होगा, लेकिन जुर्माने की रकम आप देखेंगे तो जो दौर चल रहा है आज के डेट में कमर्शियल मार्केट में देखेंगे आप, खासकर मैं कमर्शियल गाड़ी वालों का बात कर रहा हूँ, जिस तरह से बाजार खत्म है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खत्म है, हर बाजार बुरे हाल से गुजर रहा है, जहां उनकी कमाई नहीं है वहां 10-10 हज़ार रुपये फाइन लगा के ये कौन से नियम में बदलाव आएगा, लोग जिएंगे कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे, जैसे मैंने टोल की बात करी, क्या हर टोल पे 1 किलोमीटर पहले से बोर्ड लगा हुआ है? क्या हर रोड पे ये साइन बोर्ड लगा हुआ है कि 1 किलोमीटर के बाद टोल है? आप दिल्ली की एंट्री जाके देखिए, बहुत मुश्किल से आपको कुछ बड़े टोल्स पे ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसे कितने टोल हैं जो गली कूची में बने हुए हैं, वहां पे बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है लेकिन फाइन उनको 10 गुना। ऐसे ही रोड पे कहां पे लेफ्ट टर्न नहीं लेना है, राइट टर्न नहीं लेना है, क्या करना है, किसी समुचित बोर्ड नहीं लगी हुई है कहीं भी, लेकिन फाइन 10-10 हज़ार रुपए का है। आइए बात करते हैं पहलू खान की। आप सब लोगों ने न्यूज पढ़ी होगी, सुना होगा कि उसमें सारे जो अभियुक्त थे उनको बरी कर दिया गया। तो आखिर पहलू खान की जो मौत है वो हुई कैसे, उसे किसने मारा, ये सवाल है। आखिर इस पे चर्चा कौन करेगा, सवाल किससे पूछा जाएगा, ये आप सोचिए। कश्मीर में 370 हटा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सवाल यहाँ पे है ये है कि अगर आप थोड़ी सी आंकड़ों में जाके देखेंगे तो आपके 36 राज्यों में कश्मीर किस पोजीशन पे था इसको जरूर देखिएगा, और कश्मीर से नीचे कितने स्टेट हैं इसको जरूर देखिएगा, उनके क्या हालात है। तो क्या जहाँ 370 नहीं था, जहाँ पे भुखमरी है, बेरोजगारी है, जहाँ वहाँ पर तो 370 था भी नहीं, तो आखिर वहाँ के हालात कैसे हैं? झारखंड, बिहार किस पोजीशन पे है, आप जरा जाके देखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि आप लोगों के पास वक्त कम होता है, क्योंकि आपने और भी चीज़ें देखनी होती है, क्योंकि इंटरनेट सस्ती कर दी गई ताकि आप उसमें खोए रहें और मुन्नी की जवानी, सिला की डांस, ये सब आप देखते रहें, क्योंकि आपका देश के मुद्दों से कोई सरोकार न रहे। इसी तरह से आप न्यूज़ चैनल पर जाएंगे तो आप देखेंगे एक एक घंटे का प्रोग्राम चलता है कुत्ते बिल्लियों का, जिसपे दिखाएंगे सांप ने एक चूहे को कैसे पकड़ा, एक कोई जानवर गड्ढा में गिर गया तो कैसे निकाला गया, पूरे एक घंटे का प्रोग्राम, वो जस्ट फीलिंग के लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि 24 घंटे उनको न्यूज दिखाना है, और दिखाना भी है किसके फेवर में, अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो रोड पे रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है उनको, जनता की मुद्दा को उठाने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो दिखाएंगे क्या, कोई छाछ भी दही थी चला रहा है 1 से 3 बजे तक, 2-2 घंटे की, जिसका आम जनता के जीवन से कोई सरोकार नहीं है। इसी तरह से आप भी इंटरनेट की दुनिया में जो बहुत सस्ती कर दी गई है ताकि आप खोए रहें और आपका जो आपके मुद्दों से सरोकार होना चाहिए उसमें आपका ध्यान बिल्कुल ना जाए। दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जरा सोचिएगा और इस पर विचार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।